देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नवीन सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त, नेक द्वारा एक्रेडिटेड और ISO द्वारा प्रमाणित वैश्विक संस्थान देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आपके साथ हम सब जुड़ रहे हैं। नमस्कार, शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल और शांतिकुंज वीडियो मोबाइल ऐप पर आप हमें देख रहे हैं और आज आपसे हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार की है प्रवेश प्रक्रिया देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रवेश की, आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स हमारे पूरे भारत भर में कहां कहां पर हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, क्या उसका सिलेबस होता है और किस प्रकार से उसके आगे की प्रवेश प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आप विविध जानकारियाँ हमारी वेबसाइट और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नवीन सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.dsvv.ac.in के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dsvv.ac.in को जैसे ही ओपन करेंगे अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट अथवा डेस्कटॉप पर, तो आपको मुख्य पेज पर ही एडमिशन ओपन का एक बटन दिखेगा। एडमिशन ओपन के बटन को क्लिक करते ही आपको हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स की जानकारी वहां पर उपलब्ध होगी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, इसकी विधिवत जानकारी वहां पर प्राप्त करने के बाद अपनी चॉइस के अनुसार आप जिस भी प्रोग्राम का चयन करेंगे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय ऑनलाइन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो निर्देश वेबसाइट पर दिए गए हैं कृपया उसे फॉलो करें। निर्धारित डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने हैं, अपने मार्कशीट, अपने डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड करके अपनी फोटोग्राफ और उसके अलावा अन्य भी जो जानकारियाँ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई हैं उसको आप निश्चित रूप से फॉलो करते हुए, सही सही जानकारी प्रदान करते हुए, निर्धारित शुल्क के साथ, वह निर्धारित शुल्क यदि आप फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पर इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप वहां पर जो भी निर्धारित शुल्क है उस निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन उस शुल्क को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.dsvv.ac.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का दूसरा तरीका है कि आप हमारी वेबसाइट www.dsvv.ac.in पर जा करके वहाँ पर पूरा का पूरा एक एडमिशन पैकेज है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन पैकेज को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करके उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। उस फॉर्म को भरने के साथ साथ आपको जो निर्धारित डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट हैं, अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को आपको उसके साथ अटैच करना है। अटैच करने के साथ आपको निर्धारित शुल्क का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और वो डिमांड ड्राफ्ट और उसका निर्धारित शुल्क क्या है इसकी जानकारी आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त करें और उसे बना करके उसे फॉर्म के साथ अटैच करके एडमिशन सेल देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार 249411 उत्तराखंड के पते पर भेज देना है। साथियों, हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी मोड में अप्लाई कर रहे हों, जो हमारी निर्धारित डेडलाइन है उससे पूर्व एडवांस में हम अपने फॉर्म को भर करके जमा कर दें और अपनी तरफ से ज़रूर क्रॉस चेक भी कर लें कि आपका फॉर्म यहाँ पर रिसीव हो गया है। तो वो संपर्क सूत्र क्या है जिनसे आप संपर्क करेंगे या वो और प्रक्रिया क्या है इसकी जानकारी वीडियो के अगले भाग में आपको देते हैं। ओवरऑल जो हमारी प्रवेश प्रक्रिया है इसका सबसे पहला चरण है फॉर्म को अप्लाई करना। दूसरा चरण है कि जब आपका फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया और आपको निर्धारित एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका फॉर्म पाया गया, उसे वेरीफाई करके आपको एडमिट कार्ड दे दिया गया, तो एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट हो गया, एडमिट कार्ड आपके पास आ गया, इसके बाद एक निर्धारित तिथि में रिटर्न एग्जामिनेशन संपन्न किया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए भारत भर में अलग अलग सेंटर्स हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन में जो उत्तीर्ण होंगे ऐसे कैंडिडेट्स की जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और उत्तीर्ण कैंडिडेट्स का इंटरव्यू देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ही होगा। इंटरव्यू से जो कैंडिडेट उत्तीर्ण होंगे उनका मेडिकल टेस्ट देव संस्कृति विश्वविद्यालय में होगा और उसे उत्तीर्ण करने के पश्चात पूरे के पूरे ऑफलाइन मोड में आगे की एप्लीकेशन प्रोसेस के उपरांत एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। ये हैं वो मुख्य 5 चरण जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रवेश से संबंधित हैं। आइए साथियों, अब हम जानते हैं कि इस नवीन सत्र में आपके लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वर्तमान के हिसाब से प्रासंगिक और बड़े ही शानदार कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, साथियों
चार वर्ष के ग्रेजुएट प्रोग्राम देव संस्कृति विश्वविद्यालय ऑफर कर रहा है। चार वर्षीय ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीएससी योगिक साइंस ऑनर्स, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनर्स, बी वॉक बैचलर ऑफ वोकेशन 3D एनिमेशन एंड VFX ऑनर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनर्स, BA संस्कृत ऑनर्स, BA हिंदी ऑनर्स, BA इंग्लिश ऑनर्स, BA हिस्ट्री ऑनर्स, BA साइकोलॉजी ऑनर्स, BA म्यूजिक वोकल ऑनर्स, BBA टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट ऑनर्स, BRS बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज ऑनर्स, BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स। साथियों, ये चार वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय ऑफर कर रहा है। इसके साथ ही साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd का दो वर्षीय प्रोग्राम भी देव संस्कृत विश्वविद्यालय ऑफर कर रहा है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम्स एक वर्ष के हमारे पास उपलब्ध हैं। PG डिप्लोमा थियोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, PG डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सिर्फ विदेशी विद्यार्थियों के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जो PG डिप्लोमा में उपलब्ध है वो है PG डिप्लोमा ह्यूमन कॉन्शियसनेस योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी। ये स्पेशली फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स दो वर्ष के जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय में इस सत्र में ऑफर किए जा रहे हैं वो इस प्रकार हैं। MA MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, MA MSc ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस, MA MSc योगिक साइंस एंड अल्टरनेटिव थेरेपी, MSc योगा थेरेपी, MSc अप्लाइड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट साइंसेज, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डेटा साइंसेज, MBA टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, MA इंग्लिश, MA जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, MA हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, MA संस्कृत, MA म्यूजिक वोकल, MA म्यूजिक तबला पखावज, MA फिलोसॉफी, MA हिंदू स्टडीज। तो साथियों, ये वे सभी प्रोग्राम्स हैं जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PG डिप्लोमा के रूप में इस सत्र में ऑफर किए जा रहे हैं। आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम का चयन करके निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी के लिए बार बार हम आपको कहेंगे कि आप हमारी वेबसाइट www.dsvv.ac.in को विजिट करें। साथियों, अब एक बार हम जान लेते हैं कि इस पूरी की पूरी प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। 20 मार्च 2023 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 29 जून 2023, साथियों ये तिथि याद रखिए, 29 जून 2023 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने। लेट फी के साथ प्रतिदिन 100 रुपीज की लेट फी के निर्धारित शुल्क के साथ 6 जुलाई 2023 तक फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 9 जुलाई 2023 को जो भी निर्धारित हमारे एंट्रेंस एग्जाम सेंटर्स हैं वहां पे कंडक्ट किए जाएंगे। 9 जुलाई 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तिथि है। 13 जुलाई 2023 को रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हमारी वेबसाइट www.dsvv.ac.in पर प्रस्तुत किए जाएंगे। 13 से 15 जुलाई 2023 को ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो रिटन एग्जाम से चयनित होंगे उनका इंटरव्यू देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिगुंज हरिद्वार में ही होगा। 17 से 18 जुलाई 2023 को पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के रिटन एग्जामिनेशन से चयनित विद्यार्थियों का इंटरव्यू देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही होगा। 20 जुलाई 2023 को इंटरव्यू के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। जो सदस्य इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे उन सदस्य के क्वालिफिकेशन के बाद 21 से 24 जुलाई 2023 को ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस आरंभ होगा। 25 से 26 जुलाई 2023 को एडमिशन प्रोसेस, वो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि वेटिंग लिस्ट से आगे आएंगे उनको अवसर दिया जा सकता है। और सेशन जो है वो 27 जुलाई 2023 को ज्ञान दीक्षा, जो कि एक अनोखी सेरेमनी, विश्व में पहला विश्वविद्यालय देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो ऐसी सेरेमनी करता है, उसके साथ ज्ञान दीक्षा के साथ सत्र का प्रारंभ होगा। 28, 29 और 30 जुलाई 2023 में आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। तत्पश्चात उसके बाद इससे आगे की हमारी शिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की जो लिखित परीक्षाएं होंगी उन लिखित परीक्षाओं के एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ होंगे इसकी जानकारी अब हम आपको देते हैं। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स के लिए जो भी सदस्य अप्लाई कर रहे हैं उसका एकमात्र एग्जामिनेशन सेंटर देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार ही होगा। बीएड का एकमात्र एग्जामिनेशन सेंटर
देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति में हरिद्वार ही होगा। इसके अतिरिक्त अपनी चॉइस के आधार पे आप अप्लाई जब कर रहे हैं तो आपके लिए जो उपलब्ध एग्जामिनेशन सेंटर्स भारत भर में हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल, उत्तराखंड में देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, महाराष्ट्र में नागपुर, उत्तर प्रदेश में नोएडा, बिहार में पटना और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव। ये विविध एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहां रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। इसके संदर्भ में नीति निर्धारण और इससे संदर्भ में और भी जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, हमारी वेबसाइट www.dsvv.ac.in के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, प्रश्न है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उस एंट्रेंस एग्जाम में क्या कुछ पूछा जाएगा, उसका सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें मास्टर्स और डिप्लोमा यानी पीजी और पीजी डिप्लोमा के जो विद्यार्थी हैं उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसको पूर्णतः ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 1.5 घंटे का समय होगा आपके लिए, 1.5 घंटे का समय है, पूर्णतः ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और इसमें कुल मिलाकर के 5 सेक्शंस में आपका एग्जाम होता है। यानी जो रिटन एग्जामिनेशन आपको मिलेगा उस रिटन टेस्ट के मूल 5 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज एंड लर्निंग से रिलेटेड, दूसरा सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तीसरा सेक्शन है मिशन अथवा इसको आप समझें कि गायत्री परिवार शांति कुंज देव संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारियों से रिलेटेड, और चौथा सेक्शन है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, और पांचवा सेक्शन है सब्जेक्ट नॉलेज, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी सब्जेक्ट नॉलेज का सेक्शन 5 में प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये है मास्टर्स और पीजी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के रिटन एग्जाम का एक पूरा का पूरा आउटलाइन। ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हमारे जो भी साथी अप्लाई कर रहे हैं उनका जो एंट्रेंस एग्जाम रिटन होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे सारे। 1.5 घंटे की टाइम ड्यूरेशन होती है एंट्रेंस एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन की। इसमें मूलतः 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जनरल नॉलेज एंड लर्निंग से रिलेटेड, दूसरा सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और तीसरा सेक्शन मिशन रिलेटेड क्वेश्चंस की गायत्री परिवार क्या है, शांति की गतिविधियां क्या हैं, देव संस्कृत विश्वविद्यालय क्या है और इसके संबंधित और भी चीज़ें। ये जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम है साथियों इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इस संदर्भ में भी अन्य क्वेरीज और अन्य जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dsvv.ac.in को विजिट कर सकते हैं। साथियों, एंट्रेंस एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में आएगा कि किस तरह की बुक्स को हम पढ़ें और स्पेशली मिशन रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हम किन बुक्स को प्रेफर करें। तो इसके संदर्भ में आपको हम लोग बताना चाहेंगे कि जनरल नॉलेज और लर्निंग की जानकारी आपको बेहतर है, वो तो आप किन्हीं भी रेफरेंस बुक्स को अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं और उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इंग्लिश की भी जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए भी आप अपने रुचि के अनुसार उसके पुस्तक का चयन कर सकते हैं। विशेष रूप से मिशन संबंधी जो सेक्शन है जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार देव संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारियों के लिए आप कौन सी पुस्तकें पढ़ें, तो पढ़ने के लिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने विशद साहित्य लिखा है। 3400 से ज़्यादा पुस्तकें हैं जो हमारी वेबसाइट www.awgp.org या literature.awgp.org पर उपलब्ध हैं, या AWGP लिटरेचर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं, या शांतिकुंज वीडियो ऑडियो और वीडियो सेक्शंस में ऑडियो बुक और वीडियो के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। सिलेबस के रूप में यदि आप बुक लेना चाहते हैं तो हमारे AWGP स्टोर सेक्शन जो ऑनलाइन स्टोर है हमारा www.awgp.store, आप वहां से भी इन बुक्स को मंगा सकते हैं या अपने आसपास में गायत्री परिवार की कोई शाखा है वहां से मंगवा सकते हैं। पुस्तकें हैं हमारी वसीयत और विरासत, हमारे प्रमुख संस्थान, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संरक्षक, स्वतंत्रता सेनानी हमारे गुरुदेव, शांति कुंज और उसकी उपलब्धियां, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, प्रयोजन और प्रयास, इन्हीं पुस्तकों से अगर आप पढ़। साथियों, इस पूरी की पूरी प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी और परिचर्चा हेतु आप हमारी वेबसाइट www.dsvv.ac.in को विजिट करने के साथ साथ हमारा ईमेल जो कि विशेष रूप से एडमिशन से संबंधित है admissions@dsvv.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं अथवा info@dsvv.ac.in पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। साथ ही साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार 249411 उत्तराखंड इंडिया आप अपने करस्पॉन्डेंस इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर, हमारा मोबाइल नंबर यहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है, आप इन डिफरेंट मोबाइल नंबर्स या फ़ोन नंबर्स पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।
तो साथियों, शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल, शांतिकुंज वीडियो मोबाइल ऐप के माध्यम से हमने आपको प्रदान की वे जानकारियाँ कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ के लिए आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, आवेदन के उपरांत रिटन एग्जामिनेशन कैसा होगा, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर है, और इससे संबंधित प्रवेश प्रक्रिया को पूर्णता के बाद एडमिशन्स की प्रक्रिया क्या होगी, कौन सी पुस्तकें आप पढ़ें, ये सारी जानकारियाँ आपके लिए लेकर हम लोग आए इन शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी जिस भी रूप में, जहाँ भी, जैसे भी देव संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करिए और आपकी सफलता की हम लोग शुभकामनाएं आपको देते हैं। विशेष रूप से वो परिजन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप माध्यम बन सकते हैं, किसी भी एक शख्स को अगर इस माध्यम से प्रेरणा मिलती है देव संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की, तो इस वैश्विक संस्थान में जहाँ पे एशिया का एकमात्र सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज स्थापित है, जहाँ साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिकन्सिलेशन स्थापित है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय जहाँ 70 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ लगातार देश विदेश से विद्यार्थी आते रहते हैं, यहाँ के विद्यार्थी विदेश जाते रहते हैं, जहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थाओं में अपना प्रतिनिधित्व रखता है। तो शिक्षा और विद्या का ऐसा अद्भुत समन्वय, शिक्षा और संस्कार, शिक्षा और जीवन मूल्य, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन और व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है जहाँ, ऐसे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में किसी को भी प्रवेश दिलाने का माध्यम आप बन सकते हैं। इस वीडियो को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई जो इन जानकारियों को ढूंढ रहा है उस तक जानकारी पहुंचाने का आप माध्यम बने। साथ ही विशेष रूप से शांतिकुंज वीडियो मोबाइल ऐप जो कि उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर, उसे अवश्य डाउनलोड कर लें। 5000 से ज़्यादा विविधतापूर्ण वीडियोस आपको वहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, उसके वीडियो को शेयर करें और सबका भला करें। एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आप